तो कैसे हैं भाई लोग। तो बात करने वाले वशीकरण वेब सीरीज के बारे में, पार्ट वन रिलीज हुआ है उस विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो भाई वशीकरण वेब सीरीज का नाम है, लेकिन फिलहाल इसमें वशीकरण जैसा किसी को लग नहीं रहा कि मतलब किसी को वश में करेंगे, ऐसा कुछ नाम से मतलब मेल जोल खाती हुई वेब सीरीज आपको नहीं देखने को मिलेगी। एक नॉर्मल स्टोरी पे ही ये देखने को मिलेगी, मतलब किसी के साथ भी कहीं भी इमेजिनेशन वाला रोमांस सीन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वैसे बात करें, जो होती है इनकी ये सिस्टर होती है, इन्हीं दोनों के साथ शुरू में दो रोमांस सीन देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद एक रैंडम रोमांस सीन देखने को मिलेगा इनके साथ में। अगर फिलहाल ऐसे बात करें तो भाई सीन आपको काफी हद तक का देखने को मिलेगा। ये फिलहाल जिस लेवल का पहले दिखाता था उसी लेवल का इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। साइना खत्री का और जो अदर एक्ट्रेस रही उनका भी सीन काफी आपको लंबे देखने को मिलेंगे, ये नहीं कि छोटे छोटे आपको देखने को मिले सीन से उम्मीद कर सकते हैं, सीन आपको अच्छे देखे जाएंगे। फिलहाल इसमें अनु मौर्य का कोई भी सीन आपको नहीं देखने को मिलेगा। अनु मौर्य मतलब एक ऐसे मालकिन का किरदार फिलहाल इसमें निभा रही है, हो सकता है आगे इन्हीं के साथ में ही सीन देखने को मिले, मालिक के साथ मतलब जो नौकर होता है इनके साथ ही इमेजिनेशन का सीन देखने को मिले। बाकी फिलहाल इसमें कुछ खास लग नहीं रहा है कि स्टोरी में ज्यादा किस टेंटल्स आपको देखने को मिलेंगे। बस ये इनकी दीदी से प्यार करते हैं और इनके दीदी के साथ करना चाहते हैं, अब प्यार करना चाहते हैं या फिर रोमांस करना चाहते हैं या फिर शादी करना चाहते हैं, आगे वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। बाकी जो साइना खत्री का सीन रहता है इसमें इनके बॉयफ्रेंड के साथ सीन देखने को मिलेगा, पहले मोबाइल लेता है बाद में इनकी लेता है, बाकी कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफर चल रहा होता है, मतलब एक चीज लो एक हाथ से लो, मतलब एक हाथ से दो। बाकी सीन काफी हद तक का साइना खत्री के अच्छे रहे हैं और पहला वाला जो सीन इनके साथ रहा वो भी काफी हद तक का अनगढ़ की तरीके कह सकते हैं। बाकी वेब सीरीज काफी बेहतरीन है, आपने देखी है तो जरूर कमेंट करके बताएं कैसी रही वेब सीरीज। मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए।